बहुत ही खास टॉपिक इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? तो जब वस्तु और तल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, कहाँ पर बनेगा, वस्तु से उसकी स्थिति क्या होगी, ठीक है, काल्पनिक होगा क्या वास्तविक होगा, इसी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे ये कैसे बना, मैं बताऊँगा अभी। और बता दूँ कि यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, और यही नहीं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी प्रश्न आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि आपके भी एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। मैं सभी प्रश्नों को बताऊंगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और कॉपी कलम लेकर बैठे, जिससे आपको बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार होगा। तो हम चलते हैं कि जब वस्तु को गोलीय दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच से रखा जाए तो क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो है फोकस पी, ये ध्रुव होता है, ये जो दर्पण के बीच वाला बिंदु होता है, जहाँ से प्रकाश टकराकर दर्पण से होकर जाती है वो फोकस होता है, ठीक है ना। तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिया। अब वस्तु को इसी पी और एफ के बीच रखा गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक प्रकाश जो है टकराकर फोकस की दिशा में चली जाएगी जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी प्रकाश जो है सी की दिशा में जाएगी, सॉरी, ये इस प्रकार जाती है, जैसे यूँ समझिए कि इसे गोलीय दर्पण की त्रिज्या की दिशा में जाती है, तो वक्रता त्रिज्या की दिशा में, तो ये इस तरह जाती है और लंबवत पड़ती है 90 डिग्री पर, इस कारण से ये इसी दिशा में लौट कर सी से होकर चली जाती है। तो जो भी प्रकाश लंबवत पड़ता है दर्पण पर वो उसी तरह लौट जाता है उसी दिशा में, और सी से होकर ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों आप कहीं आगे मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब इधर बनेगा ही नहीं, है ना, इस साइड में नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी प्रतिबिंब पीछे से अंदर आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता हुआ दिखाई देता है, केवल आभास होता है कि नहीं, अंदर लगा है प्रतिबिंब बना हुआ है, रियल में बनता नहीं है। तो क्या हमें पता चला कि इस स्थिति में वस्तु ए बी का, ये देखिए मान लीजिए वस्तु ए बी है, तो ए बी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, आप देख पा रहे हैं, यही बात लिखना है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, जितना मैंने बोला उतना आप लिख लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वस्तु जब फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले आप मेरे सभी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा चैनल आपके ये सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन से जुड़ जाएगा, देखेंगे आप सब्सक्रिप्शन में जाके, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर कई सारे चैनल लगेगा, मेरा भी चैनल आएगा, उस पर एमटी करके उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा वीडियो मेरा मिल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।